अबरूल पुष्पा का। जी हाँ, एक बार फिर से अल्लू अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रहा है। साल 2022 में पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज किया गया था। मूवी में अल्लू अर्जुन के किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया था कि मूवी में उनका एक डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं साला, वो इतना वायरल हुआ लोगों ने उस पर करोड़ों रील बना डाली थी। और देखा जाए तो पुष्पा पूरी मूवी में किसी के आगे झुकता नहीं। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, इस फिल्म में लोगों को इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत से कहा था कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन कोई इज्जत नहीं करेगा। वही इस फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा कि क्यों गांव वालों के मसीहा को पुलिस ने जेल में डाला था और फिर इस पर गोलियां बरसा दी। ऐसे में हर कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। पुष्पा के लिए चारों तरफ दंगे ही होते नजर आएंगे। फिल्म में पहले पार्ट की तरह रश्मि का मंदना श्रीवल्ली के किरदार में नजर आएगी, उनका एक बच्चा भी दिखाया जाएगा। इस फिल्म में पुष्पा का एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका होगा, ऐसे में हर कोई उनका गुणगान करता नजर आएगा। इसके अलावा पुष्पा दा रोल में सीनू की पत्नी दक्षायणी उर्फ अनसुईया भारद्वाज भी मैदान में उतरेगी। साथ ही ज्योति रेड्डी जो पहले पार्ट में अधमरा सा हो गया था वह भी पूरी जोश के साथ कमबैक करेगा। इसके अलावा सीनू बैकफुट में नजर आएंगे। फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल के राइटर डायरेक्टर सुकुमार है। फिल्म में रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन, फहद फाजिल और जगदीश प्रसाद भंडारी, सुनील और राव रमेश के साथ साथ और भी साउथ के बड़े कई सितारे नजर आएंगे। साल 2024 में जनवरी के महीने फिल्म के निर्माता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया था और उसी के साथ साथ पुष्पा द रूल की रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया था। साल 2024 में 15 अगस्त को पुष्पा मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी बीच पुष्पा के बजट का बड़ा अपडेट आया। पुष्पा की जबरदस्त सफलता के बाद अल्लू अर्जुन के फैन फॉलोइंग काफी लंबी हो गई है। पुरानी रिपोर्टों के मुताबिक पुष्पा 2 का बजट 570 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आपको पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको भी पुष्पा पार्ट 2 का इंतजार है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू मूवी की अपडेट टाइम से मिलती रहे।